हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चंस है गाइस, सो प्लीज़ अपनी कॉपी एंड पेन निकाल के रखना। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसके नोट्स बनाते रहना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट स्प्लिट्स बाय अ ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर द फिनोमेनन इज कॉल्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोल रहे कि जब लाइट स्प्लिट होती है ग्लास प्रिज्म से, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होके आती है, तो इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? तो ये होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, विद सॉल्ट इज फाउंड इन द बोन ऑफ लार्जेस्ट अमाउंट। हमारी बोन में सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में कौन सा सॉल्ट पाया जाता है? तो वो है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट इज, थर्मल रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिलोंगिंग टू विच रीजन। कौन से रीजन में बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो वो बिलोंग करते हैं इंफ्रारेड रीजन्स में। फिर पूछा है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है? तो वो है रेडियो, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख रहे हैं, रेडियो, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे और गामा रे। ओके, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, इनकी एनर्जी लो होती है और लो फ्रिक्वेंसी होती है। ये शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं, इधर वाले की एनर्जी हाई होती है और ये हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं, इधर लॉन्ग वेव और यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट इज, विच इज़ द टाइप ऑफ मूवमेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर। फ्लावर का पूछा है, स्टोमेटा का नहीं पूछा है, ठीक है? तो फ्लावर का ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट इज, विच इज़ प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ पर्सन बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कौन सा चीज़ सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है अगर मास के टर्म्स में बात करा जाए? तो वो क्या है? ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे जो ग्राफ दिया है, इधर से भी देख सकते हो आप, ऑक्सीजन, सिलिकन, फिर एल्युमिनियम, आयरन, ये सब है, ये बहुत ही छोटे अमाउंट में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 46.4। नेक्स्ट है, इंडियन सोवनेंट इन सी एक्सटेंड अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल। कितने नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड करता है? तो इट इज़ 12 नॉटिकल माइल। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स एंड वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो इनका प्रोपोर्शन पूछा है, रेशियो पूछा है, तो विच इज़ 500:1। तो यहाँ पे दिया है रेड ब्लड, जिनको हम एरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इनकी लाइफ टाइम कितनी होती है? 120 डेज। और वाइट ब्लड्स जिनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, इनकी लाइफ होती है 3 to 4 डेज। प्लेटलेट्स जो होते हैं, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, इनकी लाइफ स्पैन होती है, लाइफ स्पैन ऑफ अ प्लेटलेट इज़ नॉर्मली 5 to 9 डेज। नेक्स्ट है, रेनबो इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स के पोर्शन में आता है और ये एमएनएस में आ चुका है एक बार, ठीक है? तो बोला है कि रेनबो किसके वजह से फॉर्म होता है, कॉम्बिनेशन, किसके कॉम्बिनेशन के वजह से फॉर्म होता है? तो ये है डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो चीज़ों की वजह से फॉर्म होता है, एक है डिस्पर्शन और दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज, विच इज़ कंसिडर एज द ड्रग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ह्यूमन बींग। किसको बोला जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन को। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट अ नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दिस इंक्लूड ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम, एबियम कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे नॉर्मल डिजीज़ हो वो भी, या कोई बड़े बड़े डिजीज हो उनको भी ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होता है। तो इसको लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ड्रग्स बोला जाता है फॉर ह्यूमन बींग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिटमस पेपर यूज इन लेबॉरेटरी विच इज़ ऑप्टेन्ड फ्रॉम। जो लिटमस पेपर हम लेबॉरेटरी में यूज़ करते हैं, ये किस चीज़ से ऑप्टेन होता है पूछा है? तो ये लाइकन से ऑप्टेन होता है। ये रही इमेज, आप देख सकते हैं यहाँ, लाइकन इज कंपोज्ड ऑर्गेनिज्म दैट अराइज फ्रॉम एल्गे और अ साइनोबैक्टीरियल लिविंग एलिमेंट अमंग फिलामेंट्स ऑफ फंगस इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लाइकन्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के बीच में रहते हैं और इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंगीज के साथ। विच इज़ द हाइएस्ट ग्रेड ऑफ कोल हुज सर्फेस इज शाइनिंग एंड हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। बोले कोल का जो हाइएस्ट ग्रेड है कौन सा है जिसका सर्फेस बहुत ही शाइनी हो और हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू भी हो? तो ये है
एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट यहाँ पे कोल की स्टेज दी है कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, पीट लेगिनेंट फिर जाके कोल बनता है, बिटुमिन और ये उसके अलग अलग टाइप्स दिए हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, ये इस बार आया था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अनामुदी, ठीक है, ये साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है, अनामुदी या अनाईमुदी इसको दो नाम से बोलते हैं, इज अ माउंटेन लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला, इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया, ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का और साउथ इंडिया का, ये कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में। नेक्स्ट है ग्लास इज मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ विच थिंग, जो ग्लास है ये कौन सी चीज़ की मिक्सचर से बना होता है, तो इट इज़ सैंड एंड सिलिकेट, यहाँ पे ग्राफ में दिया है 72% इसमें सिलिकेट होता है। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बीइंग व्हाट इज द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल, जो स्टमक की ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पाइलोरस, ये इमेज में देख सकते हैं इसोफेगस, फिर यहाँ पे रहा पाइलोरस, स्टमक, ड्यूओडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन कॉल, सन के आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, तो इसको कोरोना बोलते हैं, ठीक है, सन का देखो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको कोरोना बोलते हैं, उसके बाद क्रोमोस्फेयर, देन उसके बाद वाली लेयर को फोटोस्फेयर, यहाँ पे कन्वेक्शन जोन, रेडिएशन जोन और सबसे अंदर का जो पोर्शन है ये रेड वाला जो दिख रहा है इसे कोर बोलते हैं, उसके बाहर वाला रेडिएशन और उसके बाहर वाला कन्वेक्शन, और जो ये लाइन दिख रही है पतली सी उसी में कोरोना, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर, ये तीनों चीज़ें होती है। विच काइंड ऑफ लेंसेज आर यूज टू ट्रीट एस्टिगमेटिज्म, ये बीमारी जो है इसको ट्रीट करने के लिए कौन से लेंसेज यूज़ करते हैं, तो ये सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज़ करते हैं। एस्टिगमेटिज्म इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच द आई डज नॉट फोकस लाइटली इवनली ऑन रेटिना, जो लाइट एंटर होती है वो रेटिना पे ठीक तरीके से फोकस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ब्लर्ड विजन हो जाता है और डिस्टॉर्टेड विजन हो जाता है, दूर की चीज़ों के लिए अच्छे से दिखाई नहीं देता, ठीक है, ये एक आई डिजीज़ है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है, तो दिस इज हाइड्रोस्फेयर। विच गैस इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होते हैं तो कौन सा गैस ऑब्जर्व होता है, ये बहुत ही सिंपल है, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है सबको तो पता ही होगा। विच इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेजर कॉन्स्टिट्यूंट क्या है, तो इट इज़ मीथेन, यहाँ पे दिया हुआ है 50-75% बायोगैस में मीथेन होता है, 20-45% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2-5% अदर गैसेस। विच पॉलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड, जो पॉलिनेशन वाटर के हेल्प लेके होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुकिंग गैस इज मिक्स्ड मिक्सचर ऑफ विच गैसेस, जो कुकिंग गैस होता है वो मिक्सचर ऑफ कौन से गैसेस का होता है, तो वो प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, प्रोपेन का साइंटिफिक फॉर्मूला होता है C3H8 और ब्यूटेन का C4H10, ठीक है, LPG लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म भी याद रखना है, इस बार फुल फॉर्म बहुत आए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर चारकोल एंड सल्फर इज कॉल्ड, पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल एंड सल्फर इसका पाउडर और मिक्सचर को क्या बोला जाता है, तो ये होता है गन पाउडर, ये इमेज में देखो पोटेशियम वाइट कलर का, सल्फर और ये है चारकोल। नेक्स्ट इज इन विच हेमिस्फेयर डज इंडिया लाई, इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है, तो इंडिया नॉर्थन और ईस्टर्न दोनों हेमिस्फेयर में लाई करता है, इधर देखो ये रहा इंडिया नॉर्थन हेमिस्फेयर में, ये नीचे का साउदर्न हो गया, इधर वेस्टर्न और ये ईस्टर्न, तो इंडिया यहाँ है ये रहा और इधर है, तो ये हो गया नॉर्थन में और ईस्टर्न में, इसलिए नॉर्थ ईस्ट। स्पीसीज ऑफ सैफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट,
ये ऐसे क्वेश्चन आए थे इस बार, क्योंकि आया था जूट जो होता है वो कौन से पार्ट ऑफ प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रख के करना। अभी यहाँ पे सैफरन का पूछा है, तो सैफरन का कहाँ से ऑब्टेन होता है? स्टिग्मा से। ये रहा पिक्चर, देखो ये लीफ पेटल बर्ड स्टेम्प, ये होता है सैफरन का फ्लावर, ऐसा दिखता है। ओके, ये रहा स्टेमन एंड ये रहा स्टिग्मा, तो यहाँ से ये जो होते हैं ना, ये ऑब्टेन करके इससे सैफरन बनता है। वट इज़ द परमिसिबल लेवल ऑफ नॉइज़ इन साइलेंट जोन एट डे टाइम? नॉइज़ का परमिसिबल लेवल क्या होता है, मतलब कितने लेवल तक सुन सकते हैं? तो वो है 75 डीबी, मतलब डेसिबल, 75 डेसिबल तक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ आवर पर डे और नॉइज़ चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट इज फॉर विच क्रॉप डज इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कल्टिवेशन एरिया इन द वर्ल्ड? कौन से क्रॉप के लिए इंडिया का जो कल्टिवेशन एरिया है वो सबसे ज़्यादा है? तो राइस, राइस के लिए इंडिया का कल्टिवेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द साइज ऑफ विच थिंग? जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज़ से रिलेटेड था, किसके साइज से रिलेटेड था पूछा है, तो वो न्यूक्लियस के साइज से रिलेटेड था। ये एनसीईआरटी की बुक में भी देखा होगा आपने ये डायग्राम, ओके, केमिस्ट्री की बुक में है ये। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शो द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे हमें क्या पता चला था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सेल हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ ऑल? ऐसा कौन सा सेल है जिसके पास एबिलिटी होती है वो कि वो किसी भी टाइप के सेल में डेवलप्ड हो जाए? तो ये कौन से सेल होते हैं? स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स आर मदर सेल्स दैट हैव द पोटेंशियल टू बिकम एनी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी वंस दे मेंटेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम सेल इन देयर एबिलिटी टू सेल्फ रिन्यूएबल। स्टेम सेल जो होती है वो मदर सेल होती है बॉडी की, और उनके पास पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाए बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया? इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उनमें फ्यूल के जैसे कौन सी चीज़ यूज होती है? तो वो है थोरियम। नेक्स्ट इज द एल्बिडो ऑफ विच क्लाउड इज द हाइएस्ट? एल्बिडो मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू पास लाइट, मतलब कौन से क्लाउड्स जो हैं जिससे लाइट अच्छे से या हाईएस्ट लेवल पे पास हो जाती है? तो ये है सिरस क्लाउड। ये देखो पिक्चर में, यहाँ पे है सिरस क्लाउड, ठीक है, तो इससे लाइट की लाइट पास जो होती है वो हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? कावरत्ती। विच क्लास इज यूज इन द बुलेट प्रूफ स्क्रीन? बुलेट प्रूफ जो स्क्रीन होती है उसमें कौन से ग्लास यूज होते हैं? रेनफोर्स्ड ग्लासेस, ठीक है, ये नॉर्मल ग्लासेस होते हैं, और जो बुलेट प्रूफ होते हैं वो ऐसे होते हैं। बुलेट प्रूफ ग्लासेस कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल ग्लास ब्लू एंड अ पॉलीकार्बोनेट रेड लेयर। नॉर्मल ग्लास जो होते हैं वो भी यूज़ होते हैं, और एक पॉलीकार्बोनेट लेयर यूज होता है इसमें। नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ विच फैक्टर क्लाउड डू नॉट प्रेसिपिटेट इन डेजर्ट? जो क्लाउड्स होते हैं वो डेजर्ट में प्रेसिपिटेट नहीं करते, जिसके पता है ये डेजर्ट एरिया में बारिश कम होती है, तो ये क्यों होती है ऐसा, किस फैक्टर की वजह से? क्योंकि वहाँ पे लो ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से क्लाउड प्रेसिपिटेट नहीं करते तो बारिश नहीं होती, ठीक है। फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल वुड रिमेन कॉन्स्टेंट? ऐसा एक क्वेश्चन आया था फिजिक्स में इस साल, ठीक है। अगर एक बॉडी है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रही है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो क्या कांस्टेंट रहेगा? तो उसका के ई काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। द हाई एल्टीट्यूड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विच हैज़ ड्रॉफ ट्री इज नोन बाय विच नेम? जो हाई एल्टीट्यूड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनमें ड्रॉफ ट्री होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? एल्फ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है उनको, ये पिक्चर में देख सकते हो आप। नेक्स्ट इज विच इज़ अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? कौन सा फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है? तो दिस इज एजोबैक्टर, ठीक है, एजोबैक्टर प्रेजेंट इन नोड्यूल ऑफ रूट प्लांट। जो रूट प्लांट होते हैं उनके नोड्यूल में ही प्रेजेंट होता है। विच बैक्टीरिया हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी?
कौन सा बैक्टीरिया है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है? तो ये है राइजोबियम. ओके, द सन इज विजिबल अ लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ विच रिएक्शन. जो सन है वो थोड़ी देर पहले दिखाई देता है एक्चुअल सनराइज से. ऐसा क्यों होता है? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से. हमें सनलाइट पहले से ही दिखने लगती है जब सन विजिबल हो उससे पहले ही. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैक्टीरिया कॉमनली लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन के इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरिया कॉमनली रहता है? दिस इज इकोलाई. ओके, वट इज़ द मिनिमम फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. दिस क्वेश्चन केम इन 2020. दिस इज 33%. 33% होना चाहिए. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. जनरल साइंस में ये पोर्शन आता है. ठीक है, ये मतलब ना ही साइंस होता है ना ही जीके होता है, तो ये जनरल साइंस में कवर होता है. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं हमें. ठीक है, 33% टोटल होना चाहिए. ये देखो इमेज में. नेक्स्ट इज एल नीनो करंटली अपेयर अलोंग द कोस्ट ऑफ विच कंट्री. कौन सी कंट्री के कोस्ट के अलोंग ये अपेयर कर रहा है? पेरू. बाय विच फोर्स कैन फैट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क एंड क्रीम सेपरेटर. दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जो फैट है वो मिल्क से सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है. हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. कौन अपॉइंट करता है? प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है. ठीक है, इफ वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू अ पोल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी. अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर मान लो, पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? इट विल इंक्रीज. ओके, नेक्स्ट इज वाई आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करंट रिफ्लेक्शन टू द राइट ड्यू टू कोरिओलिस फोर्स. नेक्स्ट इज विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी. थर्मोडाइनमिक्स का कौन सा लॉ है जो एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करता है? तो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है कि स्टेट करता है द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर बी डिक्रीज ओवर द टाइम. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल बाय विच अ कूलिंग सिस्टम रेडिएटर इन अ मोटर कार वर्क. कूलिंग सिस्टम कार में जो होता है वो कैसे वर्क करता है? तो वो किस सिस्टम पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है पूछा है. ये है कन्वेक्शन. यहाँ पे इमेज दी है. रेडिएशन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है. तो कन्वेक्शन होता है इज़ अ हीट ट्रांसफर बाय मास मोशन ऑफ फ्लूइड सच एज एयर और वाटर एंड द हीटेड फ्लूइड इज कर्स्ड टू बी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट कैरिंग द एनर्जी विद इट. जब उसको हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं तो सोर्स हीट ऑफ सोर्स से हम लोग दूर लेके जा रहे हैं, तो उसकी वजह से एनर्जी फ्लो जो वो ट्रांसफ़र हो रही है. फिर थर्मल कन्वेक्शन इज अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी बाय माइक्रोस्कोपिक कलिजन ऑफ पार्टिकल एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द बॉडी. नेक्स्ट इज व्हाट डज अ नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन. जो नेल पेंट रिमूवर्स होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें एसीटोन होता है. ठीक है, विच टिश्यू इन मैन विद नो सेल डिवीजन ऑकर आफ्टर बर्थ. कौन से टिश्यूज होते हैं जिनमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता? तो है नर्व्स. नर्व्स में कोई सेल डिवीजन नहीं होता. क्लोरीन एक्ट इज अ ब्लीचिंग एजेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच थिंग. क्लोरीन जो है वो एक ब्लीचिंग एजेंट जैसा काम करता है, लेकिन कब करता है, किस चीज़ के प्रेजेंट पे? जब मॉइस्चर प्रेजेंट हो. जब मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तभी वो एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करेगा. नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेस्ट एंड द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट रिस्पेक्टिवली. बेस्ट कंडक्टर पूछा है और पुअरेस्ट. तो बेस्ट क्या है? सिल्वर. और पुअर क्या है? लेड, पीबी. द फूड मटीरियल इन फंगी इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म. जो फंगी में फूड मटीरियल होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं. ठीक है, विच कोलाइडल सॉल्यूशन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी. ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है. जो फोटोग्राफी होती है उसमें कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन यूज़ होता है? कोलाइडल सिल्वर ब्रोमीन. सिल्वर ब्रोमीन यूज़ होता है. ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल एलिमेंट दैट नेचुरली टेक
form as a liquid under normal circumstances. It's easily evaporate and in its gaseous state smells similar to that of chlorine. वो easily evaporate हो जाता है एंड ये अपने naturally normal circumstances पे भी liquid जैसा present रहता है. Next question is, during the fermentation of sugar, which enzyme converts glucose into ethyl alcohol? तो कौन सा एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है? ये है जाइमेस. ये जो एंजाइम है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है शुगर फर्मेंटेशन के टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ह्यूमन ऑर्गन इज मोस्ट ससेप्टेबल टू द हार्मफुल रेडिएशन? मोस्ट ससेप्टेबल मतलब जिसको बहुत ज़्यादा खतरा है. ऐसा कौन सा ह्यूमन ऑर्गन है जिसको रेडिएशन से सबसे ज़्यादा खतरा है? तो ये है लंग्स. अ पर्सन फील फटीग्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन द मसल? एक जो पर्सन, कोई भी पर्सन है, अगर वो फटीग मतलब टायर्डनेस, थकान फील कर रहा है, तो ये कौन सी एसिड की प्रेजेंस डिपोजिशन की वजह से मसल में होता है? तो ये लैक्टिक एसिड ये मसल में डिपोजिट होते हैं, तो जिसकी वजह से पर्सन जो है थका हुआ फील करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लैनेट टेक मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन? सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन लगाने में मैक्सिमम टाइम कौन सा प्लैनेट लेता है? तो ये है जुपिटर. व्हेन द विंड इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, व्हाट इज इट कॉल्ड? अगर विंड है जो डिफ्लेक्टेड होती है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, तो इसको क्या बोलते हैं? जियोस्ट्रॉफिक विंड. क्या बोलते हैं? जियोस्ट्रॉफिक विंड. विच इज यूज्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये इम्पॉर्टेंट है. विच इज़ यूज इन स्टोरेज बैटरीज? स्टोरेज बैटरीज में क्या यूज़ होता है? लेड, PB. ठीक है. द प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग ऑफ सॉइल इज मोर प्रोनाउंस्ड इन द एरिया हाउ रेनफॉल इज देयर? जो रेनफॉल है उस पर डिपेंड करता है लीचिंग ऑफ सॉइल का प्रॉब्लम. तो एक कौन से एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो? ठीक है. व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ कोर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? सबसे सुटेबल फॉर्म क्या है? सॉफ्ट आयरन. विच इंसेक्ट स्प्रेड काला अजर डिजीज? काला अजर एक डिजीज़ है, ये कौन सी इंसेक्ट स्प्रेड करती है? तो सैंड फ्लाई. विच इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट? सीमेंट में मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? लाइमस्टोन. Which industry produce the most non-biodegradable waste? Non-biodegradable और biodegradable क्या होता है, ये 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आई होप सबको पता हो. ठीक है. तो थर्मल पावर प्लांट्स जो होता है ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट करती है, और ये बहुत ही खतरनाक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, अच्छा नहीं है. Which peninsula river is westward flowing? कौन सा रिवर है जो westward फ्लो करती है? तो दो ही रिवर है जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है. एक तो है ताप्ती और दूसरा है नर्मदा. बाकी सारी जो रिवर है वो ईस्ट की तरफ ही फ्लो करती है. जैसे मान लो ऐसे इंडिया है कुछ, ठीक है, मेरे को अभी मैप ठीक से ड्रॉ करना नहीं आ रहा. तो ये जो रिवर है नर्मदा और ताप्ती वो इस तरफ जाती है. जो इंडिया है वो थोड़ा इस साइड टिल्ट है, तो इसलिए सारी जो भी रिवर है वो इधर जाती है बे ऑफ बंगाल के साइड में, पर ये दो जो रिवर हैं ये इस साइड फ्लो करके जाती हैं. नेक्स्ट इज, अ कन्वेक्स मिरर मेक अ गुड रियर व्यू मिरर फॉर अ कार, व्हाई? जो रियर व्यू मिरर होते हैं, जो कार में मिरर्स लगते हैं या बाइक वगैरह में मिरर लगते हैं, वो कन्वेक्स मिरर होते हैं. और ये अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि ये इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं और इमेज का साइज रिड्यूस कर देते हैं. मतलब कितना है हमें दूर से दिख जाता है अगर पीछे हमारे कोई व्हीकल आ रही है, ठीक है, जैसे एम्बुलेंस वगैरह आ रही है, हमें उनके लिए जगह देनी है, तो वो दिख जाए मिरर से, इसलिए मिरर लगाया जाता है. तो ये अच्छी इसलिए होती है क्योंकि वो इरेक्ट और रिड्यूस्ड इमेज फॉर्म करती हैं. विच टाइप ऑफ फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कौन से टाइप का फ्रूट होता है जो फॉर्म करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन? तो यह पाथेनोकार्पी. ठीक है, पाथेनोकार्पी के वजह से बिना फर्टिलाइजेशन से भी फ्रूट बन सकता है, जैसे बनाना ये सब हो गए, तो ये सब पाथेनोकार्पी से होते हैं. विच और कंटेन बोथ कैल्शियम एंड
मैग्नीशियम, कौन से ओर है जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होते हैं? तो यह डोलमाइट। अभी ओर के नाम, केमिकल नेम और मेटल उनमें कौन सा प्रेजेंट होता है वो दिया है। हेमेटाइट होता है जिसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंस हो, इसका केमिकल नेम आयरन ऑक्साइड होता है और इसमें मेटल प्रेजेंट होता है आयरन। बॉक्साइट एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्रेजेंट होता है एल्युमिनियम। गैलिना, इसमें लेड सल्फाइड प्रेजेंट होता है और मेटल प्रेजेंट होता है लेड। फिर कैनाबार, ये इसका केमिकल नेम है मर्करी सल्फाइड और इसमें मेटल प्रेजेंट होता है मर्करी। फिर मेलाकाइट, इसमें इसका केमिकल नेम है कॉपर कार्बोनेट और इसमें मेटल प्रेजेंट होता है कॉपर। तो ये सब इनमें मेटल प्रेजेंट होते हैं, ये होगा इनके केमिकल नेम और ये है ओर के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द प्लांट हार्मोन दैट इंड्यूस सेल डिवीजन? सेल डिवीजन कौन सा प्लांट हार्मोन इंड्यूस करता है? तो ये ऑक्सिन। प्लांट हार्मोन्स जितने भी सारे हैं, ऑक्सिन, जिबलिन, एब्सेसिक एसिड, उन सब के रोल क्या है, वो क्या करते हैं, वो सब आपको याद करना है ठीक से। इन वल्कनाइजेशन विद विच द नेचुरल रबर इज़ हीटेड, जब वल्कनाइजेशन होता है तो किसके साथ नेचुरल रबर को हीट किया जाता है? सल्फर के साथ हीट किया जाता है। विच प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस एट द फास्टर रेट, अपनी एक्सिस में कौन सा प्लैनेट है जो फास्टर रेट में घूमता है बट जब सन के अराउंड रिवॉल्व करना होता है तो वो स्लो हो जाता है? ये अभी हमने देखा था पीछे एक दो स्लाइड में। ये जैसे मान लो दिस इज सन एंड दिस इज एक्सिस, तो जब जुपिटर है मान लो इधर है, जब उसको अपनी प्लैनेट अपनी ही एक्सिस पे स्पिन करना होता है तो फास्टर करता है, लेकिन जब उसको सन के अराउंड रोटेशन करना होता है तो वो स्लो हो जाता है। तो हमने जो पिछले स्लाइड में देखा था उसमें बोला था कि सन के अराउंड जब करता है तो जुपिटर सबसे स्लो हो जाता है, लेकिन जब वो अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है तो सबसे फास्टेस्ट रेट पे करता है। नेक्स्ट इज विच एल्गी इज़ यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ऑफ पैडी, पैडी की जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है उसमें कौन सी एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज होती है, कौन सी एल्गी यूज होती है? तो यह है ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। विच यूनिसेलुलर एल्गी आर यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेस रिसर्च, स्पेस रिसर्च में ऑक्सीजन की जैसे यूज होती है, ये कौन सी यूनिसेलुलर एल्गी है? यह है क्लोरेरा, ठीक है। विच रीजन गेट्स नो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, कौन सा रीजन है जिसमें बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती है पूरे साल में? तो यह है तुंद्रा रीजन। विच गैस हैज द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, कौन से गैस का मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू है? यह है ऑयल गैस। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ ग्लूकोज ऑन अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन यील्ड हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, कितने आते हैं? 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। इसका जो ग्लाइकोलाइसिस का पूरा साइकिल है वो आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में या 12th में, तो अभी आप पढ़ोगे उसमें लास्ट में बताते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि एटीपी क्या जब कंप्लीट हो जाता है तो टोटल एटीपी मॉलिक्यूल कितने आते हैं जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज नॉक नी बो लेग एंड पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रन, किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से ये सारी बीमारी होती है? तो यह है विटामिन डी, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन के नाम दिए, डिजीज़ के नाम भी दिए और किस किस में अवेलेबल होता है या क्या खाने से वो ठीक। जैसे कि विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल से क्या डिजीज़ होते हैं? पुअर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस। इसको क्या खा के हम लोग सुधार सकते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, फिर कैरेट, बटर एंड मैंगोज। फिर विटामिन B1 जिसको हम थायमिन बोलते हैं, इसमें एक्सट्रीम वीकनेस होती है और एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं बेरी बेरी। पहले तो ये बता दूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है, तो आपको ये विटामिन टॉपिक अच्छे से करना है। अगला है विटामिन B1। B1 को बोलते हैं, इसका केमिकल नेम होता है थायमिन। इससे क्या होता है? एक्सट्रीम वीकनेस, बेरी बेरी। इसको क्या खाने से ठीक होता है? एग, मीट या ईस्ट। विटामिन B2 विच इज़ राइबोफ्लाविन, इससे क्या होता है? ग्रोथ ठीक से नहीं होती है और स्किन ख़राब होती है। इसको ग्रीनी लीफ वेजिटेबल्स, बीन्स, पी एंड मिल्क। देन विटामिन B12, इससे एनीमिया हो सकता है, नॉन वेजिटेबल फूड लाइक मीट। सी जिसको बोलते हैं हम एब्सॉर्बिक एसिड, इसके डिजीज़ क्या है? स्कर्वी, ये इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी आपको याद रखना है, स्वॉलन गम्स एंड लूज टीथ। किस में अवेलेबल होता है विटामिन ये वाला? तो लेमन,
लाइम एंड ऑरेंज मतलब जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं वो खाना चाहिए। फिर विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स और ब्रिटल बोन इन चिल्ड्रन विच ब्रेक और बेंट ईजिली। ये किस में अवेलेबल होता है? मिल्क, फिश एंड लवर ऑयल। फिर विटामिन के, इससे होती है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, मतलब इसमें प्लेटलेट्स फॉर्मेशन नहीं हो पाते अगर आपको विटामिन के की कमी होती है तो। और ये ग्रीनी लीव वेजिटेबल खाने में ठीक रहेगा क्योंकि उसमें ये अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज विच रिवर फ्लो बिटवीन द विद्यांचल एंड सतपुरा रेंज। विद्यांचल और सतपुरा रेंज के बीच में कौन सा रिवर फ्लो होता है? तो दैट इज नर्मदा। पिछले क्वेश्चन में बताया था ना नर्मदा और तापी जो है वो इस साइड फ्लो करती है। क्यों फ्लो करती है? वो वेस्ट साइड क्यों फ्लो करती है, बाकी जो रिवर है वो इस साइड इसलिए फ्लो करती है क्योंकि ये दो जो रिवर है ये विद्यांचल और सतपुरा रेंज से होके क्रॉस करती है, ठीक है। और बाकी रिवर ऐसे ही फ्लो कर जाती है ऊपर हिमालय से आके, इधर उधर से उनकी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होकर वो इस साइड फ्लो हो जाती हैं। नेक्स्ट इज विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। कौन सा ग्लैंड है जो इंसुलिन के सेक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है पैनक्रियास। अगर इंसुलिन सेक्रीशन प्रॉपरली नहीं होती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है ये मुझे कमेंट करके बताना। विच टाइप ऑफ रेनफॉल दैट ऑकर व्हेन द विंड राइज अप अलोंग विद द हिल और माउंटेन बैरियर। कौन से टाइप का रेनफॉल ऑकर होता है अगर जो विंड है वो हिल्स और माउंटेन बैरियर के ऊपर से फ्लो करे? तो ये है ऑर्गोग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल इन आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग। कौन सा केमिकल है जो कॉमनली यूज होता है आर्टिफिशियल रेन के लिए? तो यह सिल्वर आयोडाइड AgL, ठीक है, सॉरी AgI। जैसे मूवीज़ वगैरह की शूटिंग होती है उसमें भी अगर बारिश चाहिए होती है तो यही केमिकल स्प्रिंकल किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 degree to 10 degree द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या होगा अगर हम उसको 0 degree से 10 degree तक हीट कर रहे हैं? तो पहले वो डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज हो जाएगा, तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। व्हाट आर द डॉल्ड्रम्स? डॉल्ड्रम्स क्या होते हैं? इक्वेटोरियल जोन विद लो प्रेशर, ये इमेज में देख सकते हो, ठीक है, पोलर हाई सब पोलर लो ये सब। बिसाइड वाटर एंड लाइट विच इज़ मोर एसेंशियल एज अ रॉ मटीरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट और वाटर के अलावा कौन सी ऐसी एसेंशियल चीज़ है रॉ मटीरियल में जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है? तो विच इज़ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन द फ्लोटिंग आइसबर्ग इन द सी हाउ मच इज द पोर्शन रिमेन अबव द सी लेवल। जब आइसबर्ग फ्लोट कर रहा होता है सी पे तो जो कौन सा पोर्शन होता है मतलब कितने पोर्शन रिमेनिंग होते हैं जो सी लेवल से अबव हो? तो इट इज 1/10। प्लांट विच लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव आर कॉल्ड बाय विच नेम। प्लांट्स जिनमें ना ट्रू रूट्स होते हैं स्टेम होते हैं और लीव होते हैं उनको किस नाम से बोला जाता है? तो इनको थैलोफाइट बोला जाता है इनको। तो प्लांट की क्लासिफिकेशन क्या होती है, कैसे प्लांट को क्लासिफाई करते हैं? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट क्या होते हैं? नॉन वेस्कुलर होते हैं, सीडलेस होते हैं। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और मॉसेस और लिवरवर्ट्स होते हैं। टेरिडोफाइट वेस्कुलर्स होते हैं, ये भी सीडलेस होते हैं, इनमें भी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होते हैं और इनमें फर्न्स आते हैं। जिम्नोस्पर्म वेस्कुलर होते हैं, ये सीड्स होते हैं, इनमें सीडलेस नहीं होते, इनमें कोन्स होते हैं, पॉलन एंड सीड्स आते हैं, एग्जाम्पल पाइन, रेडवुड। फिर एंजियोस्पर्म क्या है? वैस्कुलर, सीड्स, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, पॉलन एंड सीड्स, एग्जाम्पल मैपल, ओक और रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट एडेड टू LPG सिलेंडर टू हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ गैस लीकेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होना चाहिए जनरल लाइफ के लिए भी कि LPG सिलेंडर में क्या ऐड किया जाता है जिससे हम उसकी स्मेल डिटेक्ट कर पाए कि गैस लीक हो रही है। तो ये थायो इथेनॉल ये ऐड किया जाता है क्योंकि अगर गैस लीक हो रही है और हम डिटेक्ट नहीं कर पाए तो आग लग सकती है और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। फूड प्रिपेयर बाय प्लांट थ्रू आउट विच इज़ ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट से ये दूसरे दूसरे पार्ट में कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये है फ्लोएम, ठीक है।
वट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बॉडी सिंड्रोम? ब्लू बॉडी सिंड्रोम के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? नाइट्रेट. इनसाइड द बॉडी वाई डज ब्लड नॉट कोआगुलेट? हमारी बॉडी के अंदर जो खून है वो जमता क्यों नहीं है? क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है? हर्पिन. ये प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारा खून नहीं जमता. किसी किसी का जम जाता है, फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है ना, ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ता है. खून एक्सटर्नल जब हमारा कट हो तो जब वो प्लेटलेट्स का प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर एक्सेसिव है और ये प्रेजेंट नहीं है तो इसकी वजह से खून हमारा जमने लगता है बॉडी में, कहीं कहीं गार्ड टाइप के बनने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है हर्ट वगैरह में, ठीक है, या किसी मेजर ऑर्गन में हुआ तो और भी प्रॉब्लम होती है. विच रिवर फ्लो थ्रू आउट द रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली में कौन सा रिवर फ्लो करता है? नर्मदा. बाई हुम आर द प्लानट आर केप्ट इन मोशन इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट? ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये दोनों फोर्स है जिनकी वजह से जो प्लानट है वो अपने रेगुलर मोशन में और रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में ही रहती है. किसकी वजह से? ग्रेविटेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज BGC वैक्सीन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम विच डिजीज़? ये जो BGC वैक्सीन है ये क्यों इंजेक्ट किया जाता है, किस डिजीज से बचने के लिए? ट्यूबर क्लासेस से. नेक्स्ट इज विच केमिकल इज यूज फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट जूसेस? फ्रूट जूसेस को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं. यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव्स आर EDTA, सिट्रिक एसिड, सॉबिटॉल एंड टार्टरिक एसिड. ये भी हैं जो कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. अमंग द बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज? जो बायोटिक कॉम्पोनेंट है इकोसिस्टम में, इसमें प्रोड्यूसर सिस्टम कौन सा है? प्लांट है. विच ग्रुप ऑफ गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट द ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन से गैसेस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है, ये ग्रीन हाउस के लिए इफेक्ट करते हैं, विच इज़ हार्मफुल टू अस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर? स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर क्या है? फ्रक्टोज है. ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ? जो स्काई ब्लू हमें दिखता है ये क्यों दिखता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग या डिस्पर्शन. तो दिख रहा होगा आपको, स्कैटरिंग की वजह से होता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज? बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? पैनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या लीवर? तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर. लीवर जो है वो बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूबरक्लोसिस इज कर्स्ड बाय? ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किसकी वजह से होता है? वायरस, फंगस, बैक्टीरिया या वर्म? तो करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया. ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है. इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज. सो दैट्स ऑल गाइज. इस वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चन किए. आई होप आपको अच्छा लगा और समझ आया हो. सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.